कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश रची गई। ट्रेन की पटरियों पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया, जिससे टकराने के बाद बड़ी मुश्किल से ट्रेन के पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसे को टाला। लेकिन अब कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश के तार आतंकवादियों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों को शक है कि कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश के पीछे एक बड़ी आतंकी साजिश है, जिसमें आतंकी संगठन आईएस खुरासान मॉड्यूल के होने की आशंका है, क्योंकि इस मॉड्यूल के तहत आईएस के लड़ाके सेल्फ रेडिकलाइज होकर वुल्फ अटैक करते हैं, और ऐसे अटैक साल 2017 में मध्य प्रदेश की ट्रेनों में हो चुके हैं, जिसका खुलासा होने के बाद कानपुर के जाजमऊ इलाके से कई लड़कों को अरेस्ट किया गया था। हालांकि फिलहाल जांच एजेंसियां इस केस की जांच कई एंगल से कर रही है, और कानपुर पुलिस ने भी इस मामले में 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ करके जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मामले के आईएसआईएस से जुड़ने की आशंका को लेकर इसलिए भी बल मिल रहे हैं, क्योंकि अब इस केस की जांच एटीएस के साथ साथ एनआईए को भी सौंप दी गई है, जो इस बात की तरफ पुख्ता इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को इस साजिश के तार आईएस से जुड़े होने के संकेत मिल गए। अब सवाल है कि आखिर जांच एजेंसियों को इस मामले के पीछे आईएस के खुरासान मॉडल पर ही शक क्यों है? आईएस का खुरासान मॉडल क्या है और ये कैसे काम करता है? तो इसे ऐसे समझिए कि आईएस आतंकी समूह का सहयोगी संगठन है। आईएस का खुरासान मॉडल पूर्वी अफगानिस्तान के खुरासान प्रांत में अस्तित्व में आने की वजह से इसका नाम आईएस खुरासान पड़ा। यह आतंकी संगठन 2015 में अस्तित्व में आया। इसकी शुरुआत 2200 आतंकियों से हुई, लेकिन बाद में इस संगठन ने अपना दायरा बढ़ा दिया। फिलहाल आईएस खुरासान एशिया के कई देशों में एक्टिव है। इसने एशिया में 200 से ज्यादा हमले किए हैं। आईएसआईएस खुरासान का टारगेट ज्यादातर आम नागरिकों पर होता है। सूत्रों की माने तो साल 2017 में पूर्वी अफगानिस्तान से निकलकर आईएस खुरासान के आतंकियों ने अपनी जड़ें एशिया के दूसरे देशों में फैलानी शुरू कर दी थी। इसने सबसे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आम नागरिकों को निशाना बनाकर वहां अपनी दस्तक दी। फिर इसने भारत में भी अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। साल 2017 में मध्य प्रदेश में ट्रेन हादसे में सबसे पहले इसी का नाम आया, लेकिन उस वक्त जांच एजेंसियों के तेज एक्शन से इसे भारत में जबरदस्त झटका लगा। इसके रिक्रूट किए गए कई लड़के पकड़ लिए गए और उन आतंकियों का एक सरगना पुलिस एनकाउंटर में मारा भी गया। सूत्रों की माने तो उसके बाद अब एक बार फिर इस मॉडल के तहत आईएस ने अपने तार फैलाने शुरू कर दिए, और इस बार साजिश सोशल मीडिया और बाकी इंटरनेट ऐप्स के जरिए रची जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस लड़कों को रिक्रूट कर रहा है। इंटरनेट के जरिए लड़कों से संपर्क साधा जा रहा है। सोशल मीडिया से मिल रहा है लड़कों को टारगेट। आपको बता दें कि जांच एजेंसियां पहले भी ये खुलासा कर चुकी हैं कि भारत में प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन यानी आईएम के ज्यादातर आतंकियों ने बड़ी संख्या में आतंकी संगठन आईएसआईएस का रुख कर लिया था। केरल के भी कई नौजवानों के देश छोड़कर आईएसआईएस में शामिल होने के सबूत मिले थे। ऐसे में अगर इस बार कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश में आईएस के खुरासान मॉडल से तार जुड़ जाता है, तो वाकई आतंक के खिलाफ जंग में लगी एनआईए की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दो अलग अलग जगहों पर ट्रेन को डीरेल करने की साजिश सामने आई। कानपुर की अगर बात करें तो वहां पेट्रोल बम मिला, सिलेंडर मिला। वहीं अजमेर में अगर बात करें तो देखिए, अजमेर में भी बड़े बड़े सीमेंट के जो ब्लॉक्स थे वो वहां पर रख दिए गए और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। अब आपको बताते हैं कि 100 लोगों से पूछताछ कानपुर के मामले में हो चुकी है। रेल जिहाद की साजिश किसकी है और जांच में क्या खुलासा हुआ है, ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, कानपुर ट्रेन डीरेल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। उसमें एजेंसियों को आतंकी साजिश की आशंका हो रही है। आतंकी साजिश के एंगल से अब इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि बीते दिनों की बात करें तो जल्दी जल्दी तीन जगह पर ऐसा हुआ है। आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल पर शक जताया जा रहा है एजेंसियों की तरफ से। 2017 की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके की साजिश हुई थी, तो इसीलिए शक जताया जा रहा है कि आखिर यह बड़ी साजिश तो नहीं है। लखनऊ में आतंकी सैफुल्ला मारा गया था, यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, कानपुर से भी कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए
हैं क्योंकि कानपुर में बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि देखिए सिलेंडर मिला, पेट्रोल पंप मिला और 100 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। देखिए शिखा आपको जानकारी दे रही थी कि इससे पहले कब कब हादसे हुए और कब कब आशंका जताई गई इसके पीछे आतंकियों का हाथ हो सकता है, और एक बार फिर से यहाँ पर इसी तरह की आशंका जताई जा रही कि जो कुछ भी हुआ या जो कुछ भी करने की साजिश की गई, कोशिश की गई, इसके पीछे ISIS का हाथ है। आपको बता दें कि जिस जगह पर रविवार को ट्रेन को डिरेल करने की साजिश की गई थी, आपको बता दें कि उसी जगह पर हमारी टीम लगातार एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रही है। इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आप उस रिपोर्ट को देखिए। हम इस वक्त कानपुर में उसी रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में मौजूद हैं जहां पर यह साजिश रची गई कि जब रात के तकरीबन 8:30 बजे कालिंदी एक्सप्रेस इस पटरी से गुजरेगी तो उस ट्रेन को पलटा दिया जाए। पूरी प्लानिंग थी, ये पटकथा लिखी गई थी, उसके बाद स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट जो है वो इस पूरी वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। ये वही लोकेशन है जिस जगह पर आपको बता दें कि इन सभी लोगों ने शुरुआत में यहाँ पर जो पेट्रोल एक बॉटल में मिला है, पेट्रोल के साथ ही कुछ बारूद जो है वो एक लिफाफे में मिला है, उसके साथ ही ये जगह अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर वो जो सिलेंडर है वो सिलेंडर रखा गया था इस स्पॉट पर वो सिलेंडर रखा गया था। और 8:30 बजे का वक्त था जब कानपुर की तरफ से वो ट्रेन बहुत स्पीड में आ रही थी, जिसके बाद आगे उस ट्रेन के गाटर से सिलेंडर टकराता है और टकराते आप देखिएगा अगर आप आगे बढ़ें तो आपको इन स्लीपर्स पर उन सिलेंडर के निशान जो हैं वो बिल्कुल साफ नज़र आएंगे। आप ये देखिएगा ये वो निशान है सिलेंडर का जब सिलेंडर वहाँ से ट्रेन से टकराया और टकराते हुए वो तकरीबन यहाँ से 200 मीटर दूर आगे जाके गिरता है। अगर मेरे भी सीपी सिंह थोड़ा सा आगे बढ़े और आपको स्लीपर पर और निशान अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिएगा कि कैसे यहां पर लगातार सिलेंडर जो है वो टकराया, यहां पर भी आपको एक निशान जो है वो नजर आ रहा होगा और इस निशान को भी मार्क इस जगह पर किया गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और भी ये निशान है क्योंकि 200 मीटर दूर यह सिलेंडर जाकर गिरा। गनीमत यह रही कि अगर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता तो शायद बहुत बड़ी जनहानि जो है वो होती, क्योंकि बहुत सारे लोग कालिंदी एक्सप्रेस से जो है वो सफर करते हैं, उस सफर के बीच इस तरह की साजिश को जो है वो रचा गया। फिलहाल आपको बता दें NIA और ATS लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और साथ ही 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं कि अब तक हिरासत में लिए गए हैं। लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस पूरी लोकेशन की यहाँ पर जो है वो छानबीन कर रहे हैं। ये एक स्पॉट और आप देखिएगा, ये सिलेंडर यहाँ पर भी टकराया और इस स्पॉट को भी सर्कल किया गया है और यहाँ से टकराने के बाद वो सिलेंडर जो है वो इस स्पॉट पर गिरता है और उस सिलेंडर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से वो डैमेज होकर बिल्कुल पिचक गया था। बस गनीमत ये रही कि वो सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो चल रही है, उच्च स्तरीय जांच है कि आखिर इस साजिश में किसका हाथ है। उन सभी तक पहुँचने के लिए कानपुर के आसपास के इस पूरे लोकेशन के आसपास के 200 से ज़्यादा CCTV फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश यही कर रही है टीम कि जल्द से जल्द उन सभी लोगों तक पहुँचा जाए जिन्होंने इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया है। तो सवाल कई हैं कि आखिर बार बार साजिश का एक ही पैटर्न रिपीट क्यों हो रहा है। ISIS खुरासान से जब से कनेक्शन आए तब से जो जांच एजेंसियां हर एंगल से बारीकी से इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि एक हिस्ट्री शीटर था जो कि उस इलाके में रुका भी था और उसके बाद से उसको ट्रेस नहीं किया जा सका है। कानपुर ट्रेन डीरेल साजिश से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो हिस्ट्री शीटर था उसको लेकर, हिस्ट्री शीटर शाहरुख को लेकर अब एजेंसियां उसे तलाश रही हैं, वो रडार पर है इस वक्त क्योंकि जानकारी मिल रही है कि पास के ही गांव में वो रुका था और घटना के बाद से ये हिस्ट्री शीटर फरार है, ये अपडेट मिल रहा है। और सीधे ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, वैभव हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास चलेंगे। वैभव देखिए अब जांच एजेंसियां जो है जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं, जानकारी मिली है कि ढाबे वाले से भी पूछताछ हुई है, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल हम इस वक्त उसी लोकेशन पर मौजूद हैं, लगातार इस पूरे मामले पर अब NIA और ATS जो है वो जांच कर रही है। लेकिन एक बार अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो उत्तर प्रदेश पुलिस के यहां पर अधिकारियों और जवानों का बड़ा अमला उस वक्त आपको इस स्पॉट पर नजर आ रहा होगा और बताया जा रहा है कि NIA की टीम अब से बस थोड़ी देर बाद इस स्पॉट पर पहुंचने वाली है जहां पर हमारी मौजूदगी है।